हेलो, दिस इज नवजीवन भारती एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई साइंस क्लासेस। इन दिस वीडियो टुडे वी विल लर्न क्लास 10th चैप्टर फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होता है, सबसे पहले उस बात को हम लोग देखते हैं। देखिए, मैग्नेट होता है एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर वो आयरन, निकेल और कोबाल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसी को हम लोग मैग्नेट बोलेंगे। तो मैग्नेट हो गया एनी सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन, निकेल, कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेट। अब मैग्नेट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ। इसका ये मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसके पहले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़ा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट को हम देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। किसी भी डिवाइस में अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो वहाँ हीट जनरेट हो जाता है। कोई भी सब सामान हम लोग घर में भी इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो हीट होता है। कोई भी अगर मान लीजिए हमारा चल रहा है डिवाइस, तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। हम भी देखते हैं कि मोबाइल सब हम लोग चलाते हैं तो ये थोड़ा देर के बाद गर्म हो जाता है, टीवी चलाते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, कोई भी चीज़। तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो हीट को जनरेट कर रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है अपने चारों तरफ, यानी कि मैग्नेट बन जाता है। जहाँ पर थोड़ा हैवी जो तार होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है, हैवी इलेक्ट्रिक करंट, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। छोटा भी करता है लेकिन उतना हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखिए, ये हमारा कोई कंडक्टर है और इसके में जो है करंट दौड़ रहा है। करंट जब दौड़ रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इसके कहने का ये मतलब है। मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने को हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले यह एक्सपेरिमेंट जो है हमारा ओरिएस्टेस साहब ने किया, जो कि एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर के किया। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस इन विच अ स्मॉल बार मैग्नेट इज कंसिस्ट एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो दिखा दे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको हम लोग शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ तो एक्सपेरिमेंट है नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं जो हम बता दे रहे हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक आयरन का नेल ले लेना है। आयरन नेल हमारा होता है, उसको हम लोग हिंदी में कांटी भी बोलते हैं, जो आयरन का होता है, लोहा का। और इसका यूज जो है हम लोग, आप लोग देखे होंगे घर में कील जो होता है उसी को चिपकाने के लिए करते हैं। और इसके साथ में एक हमारा ले लेना है बैटरी, कोई भी बैटरी चल सकता है। तो बैटरी में हम लोग जानते हैं एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर हम लोग को लेना है और इस पर इस तरह से वाइंड कर देना है, इसको चारों तरफ घुमा देना है। और ये जो इसका दोनों पार्ट पोल्स है, इसको एक बैटरी से हम लोग जोड़ देंगे। और यहाँ पे छोटा छोटा आयरन का पिन ले लेंगे हम लोग, छोटा छोटा आयरन का पिन ले लेंगे। और इसमें बीच में हम लोग थोड़ा सा इसको स्विच लगा देते हैं। तो अगर हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो ये नेल जो है इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्या हमको शो करता है, इसमें करंट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो मैग्नेटिक जिसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारा इस आयरन नेल में हो गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग देख लिए एक्सपेरिमेंट करके, मैग्नेट भी देख लिए। अब मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं। मैग्नेट तो वैसे बहुत प्रकार का होता है, हॉर्स शू मैग्नेट होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट शेप का भी मैग्नेट हो सकता है। तो बार मैग्नेट देखिए क्या होता है, बार मैग्नेट, ये हमारा एक बार मैग्नेट होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है जिसमें दो पोल हमारा होता है, नॉर्थ पोल
और साउथ पोल। मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। देखिए अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस मैग्नेट को हम अगर तोड़ देंगे इधर से बाय चांस, देखिए मैग्नेट को अगर तोड़ देंगे तो इधर हमारा नॉर्थ पोल है और ये पार्ट एक इधर अलग हो जाएगा और हमारा दूसरा पार्ट इधर अलग हो जाएगा। ये हमारा नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, तो अपने आप इस मैग्नेट में इधर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो बिना नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेट नहीं हो सकता, इसमें हमेशा दो मैग्नेट होगा। रेयर केसेस में होता है कि जो मैग्नेट का एक पोल कर दिया जाता है वो सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हुआ। तो इस चैप्टर में आज हम लोग जो पढ़ेंगे, एक चैप्टर एक वीडियो में तो हम लोग इसको नहीं कवर कर सकते हैं, तो इसका 3-4 सीरीज हम लोग इस वीडियो का लाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखिए पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में मैं जो है मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, एक मोटर को हम लोग कैसे बनाते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, कैसे वो काम करता है, एक जनरेटर को हम लोग कैसे बना सकते हैं और जनरेटर का क्या काम होता है। तो सबसे पहले देखिए मैग्नेट के बारे में हम लोग देख लिए और मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। मैग्नेट हैज टू पोल्स, इट हैज टू पोल्स, मैग्नेट में दो पोल होता है। कौन सा पोल होता है हमारा, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़े थे जिस प्रकार से दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज के बारे में हम लोग देखे थे। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से इस मैग्नेट में भी है, अगर सेम पोल का मैग्नेट आ गया, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देगा, ये इसको इधर रिपेल कर देगा, ये इसको इधर रिपेल कर देगा। ये रिपेल कर देगा। दो साउथ पोल ले लेंगे अगर हम, तो ये सेम पोल है, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर देगा। लेकिन जब हमारा एक नॉर्थ पोल आएगा और दूसरा आएगा हमारा साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेटिक पोल्स का ये प्रॉपर्टी होता है। और ये पोल कहाँ से आया, इसका नॉर्थ पोल नाम कैसे पड़ा, साउथ पोल नाम कैसे पड़ा, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल इच अदर, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। लाइक पोल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो अट्रैक्ट करेगा इसको शो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जो मैग्नेट हमारा होता है इसको, ये इसका जो रेंज होता है उसको शो करने के लिए हम लोग इसका एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए अब एक हमारा टर्म और आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जितना दूर में एक मैग्नेट हम लोग रख दिए, मान लीजिए ये मैग्नेट है हमारा, तो इतना दूर में कहीं इधर से इधर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक कुछ रेंज होगा, तो इसी फील्ड लाइंस, इसी जो इतना एरिया होगा इसी को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एरिया अराउंड ए मैग्नेट या स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड।
समझ गए हम लोग, जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड, उसमें एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे ये मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग मैग्नेटिक लाइंस का यूज करते हैं, एक लाइन का यूज करते हैं। देखिए जैसे ये है, तो अभी ये इरेगुलर वे में है, इसको हम लोग शो नहीं किया है। तो देखिए ये एक मैग्नेट हमारा हो गया, जिसमें ये नॉर्थ पोल हमारा है और दूसरा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग एक लाइन का यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी भी हम लोग देखेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह का होता है, ये साउथ पोल से निकल करके, नॉर्थ पोल से निकल करके ये साउथ पोल में चला जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने वाला लाइन होता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नॉर्थ पोल से निकलता है और कहां चला जाता है, साउथ पोल। यही होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये मैग्नेट के अराउंड होगा और मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए होगा। अब इसके आगे हम लोग एक डिवाइस आता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी हम लोग देखते हैं, उसका काम क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विथ ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जिस तरह से मुड़ेगा उसी तरह से हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाएंगे। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का दो मेथड है, वो भी हम आपको बताएंगे, और उसके लिए हमको एक मैग्नेटिक कंपास का जरूरी पड़ेगा। और मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, देखिए एक डिवाइस होता है, आप लोग भी देखे होंगे, जैसे मोबाइल में गूगल मैप खोलिएगा तो उधर एक लाल वाला पॉइंट आता है, इस प्रकार करके ये रेड रहता है, ये रेड वाला होता है, तो ये नॉर्थ पोल को दिखाता है। वो तो हो गया मोबाइल वाला, लेकिन ये जो घड़ी टाइप का एक डिवाइस होता है जिसमें छोटा सा एक मैग्नेट लगा हुआ रहता है, और ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो गया, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया। और ये जो मैग्नेटिक कंपास है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये मूव करता है, छोटा सा मैग्नेट इसमें लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से तीन प्रकार का टाइप रहता है। और ये जो धरती का जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उधर इसका नॉर्थ पोल होता है और धरती का साउथ डायरेक्शन की तरफ इसका साउथ पोल होता है, और ये 15 डिग्री का एंगल धरती का जो मेन एक्सिस है उसके साथ बनाता है। इसीलिए जब आप कभी मोबाइल खोलिएगा तो उसमें ये थोड़ा कुछ एंगल पे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट आपको दिखाएगा। और स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड का, फील्ड लाइन के क्लोजनेस से पता चलता है। देखिए यहाँ पे जो ये पोल है, पोल पे ज़्यादा फील्ड लाइन्स हमको दिख रहा है और इधर कम फील्ड लाइन्स दिख रहा है, इसका ये मतलब हुआ जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा कहाँ ज़्यादा होगा, पोल के पास ज़्यादा होगा और बीच में कम होगा, इधर भी ज़्यादा होगा और इधर भी कम होगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, यहाँ तो कर नहीं सकते लेकिन फिर भी अगर आपको सुविधा हो तो कर लीजिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक हम लोग इसको देखते हैं ऐसे करके, जब आप इस पर आयरन का स्प्रिंकल करिएगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स आयरन का, तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वो अट्रैक्ट आके इधर से वो चिपक जाएगा नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल। और इधर थोड़ा थोड़ा आएगा, बहुत कम मात्रा में, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ये ज्यादा मात्रा में आके चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये जहाँ पे ज्यादा क्लोज है और नॉर्थ पोल्स पे जो है मैग्नेट ज्यादा फोर्स लगाता है, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का दो मेथड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का दो मेथड है। अब मेथड क्या सब है, एक मेथड तो हमारा है कि एक हम लोग बार मैग्नेट लेंगे और बार मैग्नेट के ऊपर एक पेपर चिपका देंगे, इधर हमारा देखिए नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर साउथ पोल हो जाएगा। तो इधर जब हम लोग पेपर चिपका देंगे
और आयरन का स्प्रिंकलिंग करेंगे, आयरन पाउडर जो होता है, आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल्स, तो वो इस प्रकार से अपने आप को अलाइन कर लेगा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अपने आप को ये आयरन पार्टिकल्स इस प्रकार से अलाइन कर लेगा। तो ये दिखाता है, देखिए इधर से लगेगा कि आपको इस तरह से ये जिस तरह से वो लाइन है, तो ऐसे करके हम लोग एक तो ड्रा कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक हम लोग यहाँ पे ये बार मैग्नेट लेंगे और इसी के साथ हम लोग एक कंपास लेंगे। बार मैग्नेट और कंपास अगर साथ साथ लेंगे और मैग्नेट जो है बार मैग्नेट, उसके चारों ओर हम लोग कंपास को घुमा घुमा करके उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये कंपास है, अगर इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये वाला साउथ पोल होता है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको अगर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला होगा। तो ये वाला क्या डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस का, इसी के डायरेक्शन में ये जो कंपास का नीडल मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग बार मैग्नेट लेंगे और बार मैग्नेट जब लेंगे तो बार मैग्नेट का ये जो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और मैग्नेटिक कंपास जब हम लोग इसके पास ले जाएंगे ना, तो नॉर्थ पोल वाला इधर डायरेक्शन में हो जाएगा इस प्रकार से, और इधर जब हम लोग ले जाएंगे तो ये ऐसा इसका ये पॉइंटर शो करेगा। फिर इसके चारों तरफ हम लोग ले जा करके देखते हैं, इधर ले जाएंगे हम लोग तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर लाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा हम लोग को, तो यहाँ पर ले जाएंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा। इस दो मेथड से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो यहां तक हम लोग देख लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, उस सारे प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है इसका ये इतना प्रॉपर्टी होता है, देखिए ये ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से और जाके इंड कहाँ हो जाता है, साउथ पोल पे। इधर भी हम लोग देखे थे इसके ड्राइंग में, यहाँ से ये जनरेट होगा और इधर जाके ये चला जाएगा। तो बाहर में तो हमारा ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर आएगा तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल आएगा। इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर मूव करता है, साउथ टू नॉर्थ। और बाहर में हमारा ये नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ज्यादा क्लोज होता है और बीच में सेपरेटेड होता है और ये डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए इसके पहले ये प्रॉपर्टी देखिए, इट फॉर्म्स ए लूप। लूप क्या होता है, एक क्वाइल की तरह इधर से आके इधर घूम गया, एक गोल गोल स्ट्रक्चर बना दिया, जहां से शुरू हुआ वहीं आके खत्म हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं लूप। देखिए यहाँ शुरू हो रहा है और यहीं आके खत्म हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप बनाता है और डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकता है। देखिए इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर मान लीजिए दूसरा कोई मैग्नेट होता है, यहाँ पर इधर भी एक साउथ पोल ले लीजिए, अगर इधर ये मैग्नेट होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, एक दूसरे को ये रिपेल कर रहा होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ अगर हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास रखते थे तो मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा, एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मान लीजिए इसको यहाँ आके कट कर जाता है, तो यही मैग्नेटिक कंपास जो है इसका भी डायरेक्शन इसको देना पड़ेगा। तो एक मैग्नेटिक कंपास एक टाइम में कैसे डायरेक्शन दे सकता है, एक दूसरे को डायरेक्शन नहीं दे सकता है, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमारा इतना प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ।
अर्थ में कैसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखिए, अर्थ में हम जानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या होता है, मैग्मा भरा हुआ है। अर्थ का तीन पार्ट होता है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट पे हम लोग ऊपर में है अभी, ये जो धरती वाला पार्ट है ये क्रस्ट होता है, और जो मैग्मा होता है अंदर में कोर और मेंटल में भरा होता है। मैग्मा क्या होता है जनरली, ये जो हमारा आयरन हो गया, निकल हो गया, जितना भी मेटल्स है उसी का पिघला हुआ फॉर्म क्या होता है, मैग्मा होता है। और उसी को जैसे वेदरिंग होकर के पहाड़ बना, इग्नियस रॉक्स वगैरह होता है, तो धीरे धीरे पहाड़ बना, उसी का वेदरिंग होते होते हुए हमारा मिट्टी बन गया। तो मैग्मा होता है हमारा जो धरती के अंदर में लावा भरा होता है, जो वोल्केनो सब होता है उसमें निकलता है उसी, और धरती के अंदर होता है। तो हम लोग जानते हैं जो धरती हमारा है वो स्पिन करते रहता है, यानी कि धरती में मूवमेंट होते रहता है, और धरती में जब मूवमेंट होता है तो वो मैग्मा भी मूव करता है, और मैग्मा मूव करता है तो मैग्मा में क्या है, एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारा चीज़ है, तो वो करंट को जनरेट कर देता है। और करंट कैसे जनरेट होता है हम लोग सब जानते हैं, करंट मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जैसे ये एक तार है और इसमें क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर सकता है, एटम को तो इलेक्ट्रॉन ही केवल छोड़ सकता है। तो ये अगर इस डायरेक्शन में आ जाए, एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट। तो इतना बड़ा मैग्मा जो होता है धरती के अंदर वो घूमते रहता है, उसी के घूमने से क्या होता है, चार्ज का, आयंस का फ्लो होते रहता है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। और अभी पीछे हम लोग देखें इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। तो इतना बड़ा मैग्मा है, इतना बड़ा एक समझ लीजिए कंडक्टर भरा हुआ है धरती के अंदर में, वो सब जो है मूव करके इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर रहा है, उसके करंट की वजह से धरती में क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म आ रहा है। तो धरती का जो मैग्नेटिज्म होता है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, धरती का देखिए एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, अब करंट उतना हैवी अमाउंट पे प्रोड्यूस हो नहीं पाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा उसको स्पीड मिल नहीं पाता होगा, क्योंकि करंट का जो स्पीड इसमें होता है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे इंडिया में जो एसी का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि एक सेकंड में वो 50 बार साइकिल कंप्लीट कर सकता है, 50 बार एक इलेक्ट्रॉन साइकिल कंप्लीट कर सकता है, समझिए कितना ज़्यादा उसमें स्पीड होता होगा, जो धरती के अंदर में उतना करंट फ्लो नहीं हो पाता है, इसीलिए धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत लो होता है। तो उसको हम लोग एक थोड़ा डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका क्या शेप होता है, किस प्रकार का धरती एक मैग्नेट है, उसको एक डायग्राम बना के हम लोग अभी देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इसका डिफिनेशन हम लोग देख लिए एक बार, आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अर्थ बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, देखिए इसको एक डायग्राम बना करके देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हमारा अर्थ हो गया और अर्थ का ये एक्सिस हो गया, ये टेढ़ा होता है, हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है 22.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो इस तरह से होता है, जैसा कि बार मैग्नेट में होता है। इसीलिए हम लोग करते हैं कि अर्थ किस प्रकार से बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो शेप होता है वो एक बार मैग्नेट के, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के शेप के जैसा होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो अर्थ का जो मैग्नेट है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक्चुअली में ये कोई रियल मैग्नेट नहीं होता है, इस तरह से वो बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट जो होता है बार मैग्नेट, उसका डिफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट बनाया जाता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, उसका फुल प्रोसेस क्या है उसको आगे देखेंगे, तब दोनों मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग देखेंगे, नोट करेंगे उसको भी। तो देखिए ये हमारा क्या है, अर्थ का एक्सिस है, और ये इस तरह से लगता है हम लोगों को कि इसमें एक मैग्नेट रखा हुआ है। धरती का ये नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल।
ज्योग्राफिकल साउथ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है उधर हमारा मैग्नेट जो होता है अर्थ का मैग्नेट वो हमारा होता है साउथ पोल, ठीक है। और जो धरती का ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है उधर हमारा होता है नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकल करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल में जाता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि धरती के जो हमारा है ये साउथ पोल ऑफ इसको अर्थ मैग्नेट लिख लीजिए, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है उसका ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऑफ, ये हो गया नॉर्थ पोल। तो इस तरह से हमारा जो धरती में मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाता है, और धरती में जब मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाता है तो उसी से हम लोग डायरेक्शन का भी पता कर सकते हैं। जो एयरप्लेन सब एरोप्लेन होता है या जो भी आकाश में जाने वाला चीज़ होता है या फिर जहाँ पे हम लोग को दिशा का पता नहीं होता है, तो आजकल के ज़माने में तो गूगल मैप है, उस ज़माने में क्या होता था, अभी भी गूगल मैप वहाँ काम नहीं करेगा जहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा। तो एक हमारा आता है अभी जो पीछे हम लोग पढ़े मैग्नेटिक कंपास, वो एक डिवाइस होता है। अब मान लीजिए धरती पे यहाँ पे कोई अगर इस जगह पे हम लोग कोई इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं अभी, तो कोई मैग्नेटिक कंपास अगर हम लोग इधर लाएंगे तो उसका ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक कंपास का जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल ऑफ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को दिखाता है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, और जो साउथ पोल होता है मैग्नेट का वो साउथ डायरेक्शन की तरफ दिखाता है। तो कहीं भी हम लोग अगर रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए बहुत बड़ा खाई है, जंगल है, पहाड़ है, तो हम लोग को थोड़ी ना दिखाई देगा। मान लीजिए अभी सन से डायरेक्शन पता कर लेते हैं हम लोग, सन का अभी मान लीजिए ऊपर में है, तो कैसे पता करेंगे कि इधर पूरब है इधर पश्चिम है। तो इसीलिए उस जमाने में ये ये मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार हुआ, इसका डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। कहीं भी अगर हम लोग जाए तो इसका यूज जनरली ट्रेवलर्स लोग करता था, ट्रेवलर मतलब यात्री सब, एक जगह से दूसरे जगह जाना है या फिर जो सी में जाए समंदर में जाने वाला लोग होता है उसमें भी लोग इसको यूज करता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ तो हर जगह धरती का होगा, तो ये मैग्नेटिक कंपास हमको सब जगह काम देगा। अभी भी ये काम दे सकता है क्योंकि इसमें हम लोग को क्या है नेटवर्क का कोई जरूरत नहीं होता है, ये हर जगह काम कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए मैग्नेटिक फील्ड और धरती की इस तरह से मैग्नेटिक जैसे बिहेव करता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसका दूसरा वीडियो लेकर के हम लोग आएंगे, तो दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जो जनरेट करता है वो किस तरह से जनरेट करता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। एक सिंपल हम लोग एक कंडक्टर ले लेंगे, ये हमारा कंडक्टर हो जाएगा, इसमें करंट आई बहेगा, तो इसमें किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, इधर से इधर जाएगा या इधर से, मतलब उसके चारों तरफ किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। और वो देने के लिए लॉ आता है, कुछ ऐसे तो नहीं है मर्जी से किधर ले लेंगे। मान लीजिए हम कह दें कि जो ऊपर बह रहा है तो इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और कहीं पर भी ये तो थोड़ी ना कि कहीं पर ये ऊपर रखा जाएगा। इस डेली लाइफ में इस कंडक्टर को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार का होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किस दिशा से किस दिशा में जाएगा उसको शो करने के लिए एक लॉ होता है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, उसी को मैक्सवेल का राइट हैंड रूल होता है, उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। और उसके आगे हम लोग धीरे धीरे एक वीडियो का सीरीज निकालेंगे जिसमें इस चैप्टर को पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसको हम लोग पूरा समझेंगे और पूरा पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी इसका सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसके साथ लेकर के आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।